सो वेलकम बैक वॉरियर आर्मी, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। एंड भाई आज की वीडियो में तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। देखो तुम्हें से काफी सारे बंदे शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते होंगे एंड भाई शॉर्ट वीडियोस अपलोड करने के बाद तुम सभी के व्यूज नहीं आते हैं। भाई इसका एक ही रीजन है कि तुम्हें अपना कंटेंट ही नहीं पता तुम्हें डालना क्या अपने चैनल पर। आखिर किस टाइप की वीडियोस आपके चैनल पर चलेंगी, आपकी वीडियोस में व्यूज आएंगे आप लोग को नहीं पता होता। काफी सारे बंदों के साथ तो ये भी होता है कि उनके चैनल पर अच्छे खासा व्यूज आते हैं लेकिन उसके बाद रुक जाता है, उनका चैनल डाउन हो जाता है। तो इस चीज का एक ही प्रॉब्लम है, वो है तुम्हारा कंटेंट। आखिर तुम्हारा कंटेंट क्या होना चाहिए, तुम्हारे चैनल पे किस टाइप की वीडियोस अपलोड होनी चाहिए। हाँ, तो आज की वीडियो में मैं तुम सभी को तीन ऐसे शॉर्ट्स कंटेंट बताने वाला हूँ जो तुम लोग परमानेंट डालोगे ना तो तुम्हारे 100% व्यूज आएंगे। और काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ जिससे आपकी वीडियो कभी रुकेगी नहीं, आपकी वीडियो कभी डाउन नहीं होगी, ठीक है। सो कंटेंट नंबर वन, अगर आपसे गेम प्ले वीडियोस नहीं बनती, आप लोग की गेम प्ले खराब है तो आप लोग ये वाली वीडियो स्ट्राइक कर सकते हैं। आप सभी को सिंपली यूट्यूब पे जाके सर्च करना है हेलो राउडी। भाई इस बंदे की वीडियो ना नेक्स्ट लेवल होती है, इस बंदे की वीडियोस काफी ज्यादा फनी होती है। और एक यूट्यूबर है बॉस फिरोज नाम से जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, वो भी इसी बंदे की वजह से हुए। इस बॉस फिरोज ने हेलो राउडी की वॉइस यूज करके मिलियन सब्सक्राइबर्स तक कर लिए भाई। लेकिन आप सभी को इसकी वॉइस यूज नहीं करनी, आपको खुद की वीडियो बनानी है, खुद की वॉइस ओवर करनी है। बस मैं आप सभी को सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग इसकी वीडियो जाकर के चेक करो और इसकी वीडियो की तरह कुछ अच्छा यूनिक वीडियो बनाओ ताकि कोई भी बंदा ये ना बोल पाए कि ये बंदा मेरी वीडियो की वजह से उठा है, ये बंदा मेरी वीडियो की वजह से फेमस हुआ है ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, कंटेंट नंबर टू। अब देखो तुम लोगों ने यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस देखी होंगी 1v2, 1v4, 1v6 वाली, जिसमें बंदे अकेले पूरी स्क्वाड को मार करके बैकग्राउंड में सॉन्ग लगा देते हैं और काफी खतरनाक सी एडिटिंग करते हैं जैसे हकाई टीवी करता है। बट यहाँ पे हकाई टीवी के पास तो पीसी पड़ा हुआ है, हमारे पास तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए एक फोन है और फोन के अंदर हम लोग काफी ज्यादा अच्छी एडिटिंग नहीं कर पाते हैं जिससे बंदे वीडियो को स्किप कर देते हैं। अरे अरे टेंशन मत लो, तुम लोग को ज्यादा कुछ करना नहीं है, तुम लोग को जाके यूट्यूब पे सर्च करना है टेक्नो बंदा। ये टेक्नो बंदा फेस कैम के साथ स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता है और इसकी वीडियोस काफी ज्यादा बंदों को पसंद भी आती है। तो भाई तुमको भी सेम इसी की तरह वीडियोस बनानी है जैसे कि तुमने 1v4 करा। ओके 1v4 का रिकॉर्डिंग तुम लोग को निकाल के रख लेना, उसके बाद तुम लोग को क्या करना है अपने फेस का या किसी एक यूट्यूबर के फेस का रिएक्शन ले लेना, फिर उन दोनों वीडियोस के रिकॉर्डिंग को मर्ज कर देना। मर्ज करने के बाद आप लोग को सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, एडिटिंग पे, ताकि आप सभी की वीडियोस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और आपकी वीडियोस को बंदे शेयर करें। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, कंटेंट नंबर थ्री। देखो हमारे लेजेंड यानी स्काईलॉर्ड की डेथ के बाद से काफी सारे क्रिएटर्स आए हैं सच्चाई बताने के लिए कि भाई ये बंदा स्कैम कर रहा है, तुमको लूट रहा है, ये फेक ऐप के प्रमोशन कर रहा है, सब कुछ बता देते हैं। तो भाई इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए काफी सारे बंदे कम्युनिटी में आ चुके हैं और उन लोग की वीडियोस वायरल नहीं हो रही है। और अगर तुम भी यही सोचो कि मेरे को भी स्काईलॉर्ड की तरफ वीडियोस बनानी है, मुझे भी स्काईलॉर्ड 2.0 बनना है, तो भाई तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि भाई जिस टाइप की तुम लोग वीडियोस बनाने के लिए सोच रहे हो उस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए काफी सारे बंदे इस कम्युनिटी में है। सो भाई इसलिए कह रहा हूं यहां पे तुम लोग अपना कंटेंट चेंज करो। ऐसा नहीं कह रहा कि तुम लोग बंदों की सच्चाई मत बताओ, बंदों की रियलिटी मत बताओ, बताओ लेकिन अपने चैनल पे कुछ यूनिक कंटेंट भी अपलोड करो जैसे कि देसी छोरा। इस बंदे के चैनल पे तुम लोग को दो चीज देखने को जरूर मिलेगी। पहली बात, ये बंदा हर एक बंदे की रियलिटी बताता है, हर एक बंदे की पोल खोलता है। और सेकंड चीज, ये बंदा अपने चैनल पे गेमिंग वीडियोस भी अपलोड करता है, चैलेंज वीडियोस भी अपलोड करता है। और यही सही तरीका अपने चैनल को सही से चलाने का, क्योंकि इसकी ऑडियंस इसे कभी भी बोर नहीं होती, इसकी ऑडियंस हमेशा इसकी वीडियोस देखती है। तो तुम सभी इस बंदे का चैनल ओपन करके इसकी वीडियोस देख सकते हो और इसकी वीडियोस की तरह तुम लोग वीडियोस बना सकते हो। भाई जो बंदा इस वीडियो को यहां तक देख रहा है तो भाई उन सभी के लिए गुड न्यूज है। मैं तुम सभी को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं शॉर्ट वीडियो को अपलोड करने का। देखो एक दिन में एक शॉर्ट वीडियो बहुत होती है, पूरे एक दिन में एक टाइम सेलेक्ट कर लो जिस टाइम तुम वीडियोस अपलोड करोगे। मान लो आज शाम 4 बजे तुम लोगों ने वीडियो अपलोड करी है, तो तुम सभी को हर एक दिन उसी टाइम पे वीडियोस अपलोड करनी है शाम को 4 बजे। और भाई काफी सारे बंदे क्या होते हैं डिस्क्रिप्शन टाइटल टैग इन सब चीजों के पीछे पड़ते हैं, तो भाई इन चीजों के पीछे बिल्कुल भी मत पड़ो यार। वीडियो में डिस्क्रिप्शन टैग डालने से कुछ नहीं होता, वीडियो में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वो है टाइटल। अपनी वीडियो का टाइटल कुछ यूनिक रखो और ज्यादा से ज्यादा छोटा रखो। भाई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा वीडियो को अपलोड कर दो। तुम लोग को लगातार सिर्फ 1 मंथ ये सब करना है, तुम लोग के चैनल पे ग्रोथ देखना कैसे बढ़ेगी। जो बंदे सब्सक्राइबर्स के लिए रोते हैं उनको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, जो बंदे व्यूज के लिए रोते हैं उनको व्यूज मिलेंगे। बट जो चीजें मैंने तुम लोग को इस वीडियो के अंदर बताया, तुम लोग अगर अपनी वीडियो में यूज करते हो तो ही मिलेगा ये सब। भाई आई होप तुम लोग को आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा और काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। और भाई जितने भी बंदे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।